मुझे छोड़ के भागता है तो मैं भी इंसान हूं, मुझे तकलीफ होती है, लेकिन उसका नुकसान नहीं करना चाहता, ये भी सही है। लेकिन भावनाएं इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि हनुमान बेनीवाल को छोड़कर किसी और के पीछे हो जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये भी नहीं करना। भावनाएं हर व्यक्ति की होती है, लेकिन आपकी भावनाएं किससे जुड़ के रहे? नंबर वन कौन है जिन्हें 25 साल त्याग संरक्षण किया? वो जो दो दो महीने के लिए आते हैं भाग जाते हैं, क्या वो आपके लीडर हो गए, वो आपके नेता हो गए? तो फिर हमारा संघर्ष कहां जाएगा 25 साल का? फिर मैं भी जाऊं मोदी जी के साथ, राहुल जी के साथ जाके सरकारों में शामिल होता, क्यों खराब हो रहा हमारा? अगर तुम लोग भावनाएं नहीं समझते, किसी की इच्छाएं नहीं समझते, और तोड़ मरोड़ के जिस तरह बात, दुश्मन तो यही चाहेगा कि हनुमान जी को का विरोध करके इनको कमजोर करो, ये काबू नहीं आ रहा है। देखो केजरीवाल गिरफ्तार हुआ नहीं, दिल्ली का सीएम हुआ, वो अंदर बैठा है, रोटी भी घर से नहीं जा रही है, बड़े बड़े लोग अंदर चले गए। हमें अंदर डालने की ताकत सरकारों की नहीं, क्योंकि 100% सही है, और जो 100% सही होता है तो 7 दिन भूखा रह सकता है, तो सड़क पर बैठ सकता है, जिसको गोली का डर नहीं लगता, बम का डर नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति बार बार नहीं मिलते। ये सौभाग्य आप लोगों का और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं नागौर के अंदर आपके बीच हूं।